हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ वो है शिफ्लेरा प्लांट। इसको कॉमन लैंग्वेज में अम्ब्रेला ट्री भी बोला जाता है, ड्वार्फ अम्ब्रेला ट्री भी बोला जाता है। इसके पहले भी मैंने एक शिफ्लेरा प्लांट पे वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, पहले एक ज़रूरी जानकारी दे दूँ, थोड़ा प्रमोशन कर लेती हूँ मैं अपना। मेरा एक कुकिंग का चैनल भी है, नीतीश कुकिंग, वहाँ को आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के ऊपर वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास ये जो है ये वेरीगेटेड शिफ्लेरा नहीं है, जो मैंने एक बार पहले भी वीडियो डाला है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको देखिएगा। वो वाला जो था वो वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड मतलब उसमें क्रीम या वाइट कलर के थोड़े से पैचेस होते हैं और शेडेड होती हैं थोड़ी सी लीव्स। ये देखिए इसकी लीव्स बिल्कुल प्लेन है, बहुत ही प्यारा होता है। इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है ये, मतलब उन घरों के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है जहाँ पर लोग परेशान होते हैं कि हमारे यहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं आती है, तो ये प्लांट आप उसको घर में लगा सकते हैं क्योंकि ये ब्राइट लाइट में भी ग्रो कर जाता है। इसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट या पार्शल सनलाइट होती है, फिल्टर्ड सनलाइट होती है, वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन आप इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से क्या होता है, इसकी लीव जो है बहुत ही जल्दी बर्न हो जाती है। मेरे वेरीगेटेड शिफ्लेरा के साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं इसको रख दिया था मैंने बाहर लाकर बालकनी में, और हालांकि वो मैंने इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा था, पर वो जो इनडायरेक्ट सनलाइट थी ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल मई जून वाली थी, बहुत तेज़ वाली, तो इसकी वजह से मेरे उसकी लीव्स काफ़ी जल गई। ये देखिए इसकी जो लीफलेट्स है ना, ये 4 से 6 के बीच में होती हैं, जो अगर इमेच्योर प्लांट है तो इसमें 4 से 6 का वर्ल्ड बन जाता है इस तरह से। ये देखिए छतरी की तरह है ना, बिल्कुल जैसा ऐसा लगता है जैसे छतरी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह का इसका शेप होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो मैंने इसको अभी हाल ब्राइट लाइट में रखा हुआ है अपने बालकनी के अंदर, इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। बस इसको आप, मैंने जैसे बताया, डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसकी लीव्स जो हैं जल जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर कि लीव्स जो है अपनी ड्रॉप करने लगता है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताती हूँ आपको और उसकी वजह भी बता रही हूँ आपको कि उसकी वजह सबसे बड़ी होती है कि हमने ज़्यादा पानी इसके अंदर दिया है, मिट्टी सोगी हो गई है, तो ये अपनी लीव्स जो है नीचे गिराना स्टार्ट कर देता है, या फिर आप पानी देना बिल्कुल भूल गए हैं तो भी अपनी लीव्स ये नीचे गिरा देगा। तो मिट्टी जो है ना, आपको ध्यान रखनी है कि इसकी बिल्कुल भी सॉगी नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन इसकी सॉइल होनी चाहिए। ये देखिए जो ये नया वाला जो है ना, इसके अंदर बेबी लीफ निकल के आया है, स्टेम भी छोटा सा और उसमें कितनी छोटी छोटी सी है, इसमें देखिए 6 है इसके अंदर लीफलेट, तो 4 से लेके वैसे 6 के बीच में होती है, पर थोड़ा सा मेच्योर है ना तो उसमें जो है ज़्यादा भी होती हैं, 12 से 14 भी इसके अंदर लीफलेट हो सकते हैं। तो इसको जो है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है केयर की, क्योंकि ये बिना वेरीगेशन वाला प्लांट है। जो वेरीगेटेड होता है ना, उसको तो आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ता है, वरना उनका वेरीगेशन जो है ना प्रॉपरली आता नहीं है। तो ये इस प्लांट की फ्रेंड्स, मैंने आपसे लाइट की बात करी, पानी की आपके से मैंने इसकी बात कर ली कि सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको ना कम पानी देना है कि बिल्कुल हम मिट्टी सूखी छोड़ दें इसकी, और ना ही इसमें ज़्यादा पानी देना है, कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा पानी देने की केवल इसी के साथ नहीं है, जनरली सभी प्लांट के संग आती है कि हम सोचते हैं कि हमारी लीव्स नीचे गिर रही हैं प्लांट की, तो उसकी वजह यही होती है कि जो है ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग या फिर कम पानी। इसके अलावा एक रीज़न और होता है पत्तियाँ गिरने का, कि जैसे कि मैंने कभी इसको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है और काफ़ी दिनों से वहीं है, वो 15-20 दिन से मान लो कि वहीं पर है, और अचानक से मैं इसको प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट करके रख दूँ जहाँ पर थोड़ा सा कम रोशनी है, थोड़ा सा अंधेरा सा है, हमने इसको ऐसी जगह रख दिया है, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, प्लांट्स को जो है ना शॉक लग जाता है, तो उसकी वजह से ही अपनी लीव्स जो हैं ड्रॉप करने लग जाते हैं। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो अप्रैल से लेकर के सेप्टेम्बर तक होता है, उस समय ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में ग्रो करता है। सर्दियों में फ्रेंड्स इसका जो है डोमेंसी पीरियड आ जाता है और ये ग्रो नहीं करता है। तो जब ग्रोइंग सीज़न हो तो इसकी मिट्टी के अंदर आप बहुत अच्छे से खाद दीजिए, हर 15 दिन के अंदर आप इसको जो है केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए, या वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कुछ भी दे सकते हैं, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसकी सॉइल की बात करती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सॉइल बनाने के लिए इसकी 1 पार्ट मैंने गार्डन सॉइल ली है, 1 पार्ट मैंने इसके अंदर काउडंग का कंपोस्ट लिया है, आप उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा ठंडा होता है और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर भी, तो वो भी आप दे सकते हैं। स्पेशली जब आप मई जून में अगर खाद दे रहे हैं और उस समय इसका ग्रोइंग सीजन होता है, तो आप उस समय इसको वर्मी कंपोस्ट दीजिए, ताकि ये जो है प्लांट जो है ना थोड़ा सा ठंडक महसूस करता है,
वर्मी कंपोस्ट से। तो मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स ये दो ही चीज़ मिलाई है, इसके सिवा गार्डन सॉइल और कंपोस्ट के अलावा मैंने इसके अंदर और कोई तीसरी चीज़ नहीं मिलाई है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं ये बात करूँ कि सॉइल का जो है कैसे आपको ख्याल करना है, कि सॉइल जब आप थोड़ी सी ऊपर से इस तरह से सूखी सूखी देख रहे हैं ना, तभी आप इसके अंदर वाटरिंग कीजिए। और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए बिल्कुल अच्छे से, थोड़े थोड़े दिन में आप इसको गुड़ाई करते रहिए, ताकि उससे क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स की रूट्स जो होती है ना उसमें नीचे तक अच्छे से एयर पहुंच जाती है और बहुत अच्छे से ब्रीथ करता है। ये देखिए आप, मैंने इसके ऊपर पानी का स्प्रे किया हुआ है। स्प्रे करने से क्या होता है, प्लांट बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छा सा महसूस करता है। और स्प्रे करने का जो आपको बेस्ट टाइम बताऊं मैं, वो होता है सुबह सुबह कर दीजिए, जब दिन में धूप खाने के बाद जब पौधा इनडायरेक्ट सनलाइट हो या सनलाइट वाला प्लांट भी हो, तो भी अगर आप उसके बाद आप अगर इसमें स्प्रे करेंगे ना, तो प्लांट जो है वो बर्न हो जाता है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। या फिर आप शाम के बाद आप इसके अंदर स्प्रे करिए पौधों में, तो इससे क्या है मिस्टिंग करने से जो है ना इनको ह्यूमिडिटी भी मिलती है और बहुत अच्छे से ब्रीथ भी करते हैं प्लांट, और डस्ट भी साफ़ हो जाती है, तो एकदम साफ़ सुथरे से लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ इसके प्रोपोगेशन की। ये बीज से भी लग जाता है, सीड से, कटिंग से, और लीफ से भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कैलनकोई में भी बताया है लीफ प्रोपोगेशन, जीजी प्लांट में भी बताया है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको आप कोकोपीट में लगा दीजिए। इसका जो लीफ का जो पेट्योल होता है ना, नीचे छोटी सी जो डंडी होती है, उसके समय इसको तोड़ करके और आप कोकोपीट में लगा दीजिए, तो ये प्रोपोगेट ईजिली हो जाएगा। और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, 3 इंच की कटिंग लेके आप इसको कोकोपीट में रूटिंग हार्मोन लगा करके और इसको आप ब्राइट लाइट के अंदर रख दीजिए, तो ये उससे भी बहुत ही अच्छे से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। अब फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ इसकी पेस्ट की। वैसे तो इसके अंदर मैंने आज तक कभी अपने जितने टाइम से ये मेरे यहाँ लगा हुआ है, लगभग 2 साल से लगा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर कभी ऐसे पेस्ट देखे नहीं है, पर फिर भी इसमें कभी कभार जो है स्पाइडर माइट्स या मेली बग्स लग जाते हैं, तो वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं नीम ऑयल से, तो उससे बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि नीम ऑयल हमने किया लेकिन हमारे जाते नहीं है, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप जैसे आज हमने नीम स्प्रे कर दिया, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि बिल्कुल अब हमें कुछ भी नहीं करना है, तो उसके बाद जो है ना 4-5 दिन के बाद एक बार फिर आप नीम ऑयल रिपीट कीजिए। मेरी तो आदत पड़ रही है फ्रेंड्स कि मैं 15 दिन में एक बार नीम ऑयल सॉल्यूशन बनाती हूँ, मैं सारे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करके आ जाती हूँ, तो उससे क्या होता है कि अपने को जो है ना पहले से ही हम प्रिकॉशन ले लेते हैं ना, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अटैक हो जाता है ना, तब प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी मेरे हिसाब से दे दी है इसके बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और नए प्लांट के साथ, नए टॉपिक के साथ। और हाँ, मेरा नीतीश कुकिंग ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। बाय बाय।